जाहिल इब्नुल जाहिल और अबू जहल जैसे लोग जमा हुए थे तारीख में। ये लफ्ज मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, वो दारुल नदवा ही बिल्कुल, उसका नाम ही अरबों में दारुल नदवा है, और दारुल नदवा उसे कहते हैं जहां रसूल को मारने की, कत्ल करने की, खत्म करने की साजिश की जाए। और जब दुनिया में नबी नहीं रहे तो अब नबी को मारने का काम तो खत्म हो गया, तो नबी के पैगाम को मारो, नबी की सुन्नत को मारो, नबी के दीन को मारो, इसके लिए भी नदवे की जरूरत है। लेकिन ये तो मखदूम मीना का करम है कि उन्हें दरिया के पार फेंक दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर लाशें जलाई जाती हैं, उधर महक पहुंचती रहती है। चालीस काफिर दारुल नदवा में मीटिंग करने के बाद रसूल के घर पर आए और दरवाजे को टुक टुक देख रहे। चालीस चालीस काफिर, 80 आंखें, चौखट पे जमी हुई है, निकलें नबी तो मारो। पहले एक बात बता दूं, नबी करीम ने कंकरी मारी और फेंका उनकी तरफ। कुरान ने इसका जिक्र किया है, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए नबी, जो तुमने कंकरी फेंकी थी तुमने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। काफिरों के सामने ही से नबी निकल गए, किसी ने देखा ही नहीं। नबी आवे नहीं दिखाई पड़े, नबी चले गए नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि कंकरी लग गई थी। हमें तो अपने घरों में नबी महसूस होते हैं, अपनी मजलिसों में हमें दिखते हैं, अपनी महफिलों में दिखते हैं, लेकिन हमको तो नहीं दिखते, हमको तो नहीं दिखाई पड़ते। बोले कंकरी लगी होगी।